अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी अमारा। आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत इजी रेसिपी, चिकन कोरमा। और जिसके लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स: जिंजर, गार्लिक, अनियन, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया और गरम मसाले। एंड चिकन मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होंगे ये सारे मसाले: 2 teaspoon चिकन फ्राई मसाला, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, मिर्ची और हल्दी। और हमें चाहिए होगा कर्ड। आप चाहें तो कर्ड की जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये सारे मसालों को अपने चिकन बाउल में डालकर कर्ड भी इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हैंड से या फिर स्पून से, वट एवर यू लाइक। बट मैं आपको कहूँगी कि आप इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसे रेस्ट करने देंगे 15-20 minutes तक और इसको साइड कर देंगे। फिर हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, उसमें 1 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे और हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन उसमें डालकर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैरिनेशन से क्या होता है कि जितने भी मसाले होते हैं वो अच्छे से हमारा चिकन सोख कर लेता है, जिससे हमारी ग्रेवी और चिकन दोनों बनकर बहुत शानदार तरीके से तैयार होते हैं। इसलिए हमें उसे मैरिनेट ज़रूर करना है। फिर अच्छे से फ्राई करेंगे उसे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और उसी पतीले में फिर 3 tablespoon ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, देन फिर हम थोड़ा वेट करेंगे कि हमारा ऑयल एक थोड़ी आंच तक गर्म हो जाए। फिर उसके अंदर हम अपने गरम मसाला डालेंगे और उसको पकने देंगे अच्छे से, जब तक उसकी तेज़ाई ना आ जाए, क्योंकि उसकी स्मेल आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसे कच्चा पकाएंगे तो फिर इसमें स्मेल नहीं आएगी। देन जो हमारी अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट था उसको 1 by 1 हम ऐड करेंगे इस पतीले में और अच्छे से चलाएंगे, और लाइट ब्राउन होने तक हमारी अनियन को अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। लाइट ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे कचान हट जाती है। उसके बाद हम इसमें हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 10 minutes तक भूनते रहेंगे। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें सारे मसाले हमारे ऐड करेंगे और अच्छे से भूनना स्टार्ट कर देंगे और भूनते रहेंगे जब तक हमारा कलर चेंज ना हो जाए। अगर आपका मसाला इसमें लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसे भून सकते हैं। और ये देखिए, हमारा मसाला थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है। और फ्यू मिनट्स बाद हम देखेंगे कि हमारा मसाला बिल्कुल ब्राउनिश कलर का हो गया, और यानी कि ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जो फ्राई करा हुआ चिकन, जो हमने साइड कर दिया था पहले, वो सारा चिकन इसमें डालेंगे और उसके साथ हम भुनाई करेंगे अच्छे से। सबसे ज़्यादा अहम जो है इसमें वो ये है कि हमें इसकी भुनाई अच्छे से करना है, क्योंकि भुनाई से ही सारा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में ही अपना सॉल्ट ऐड कर लिया था अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। तो फिर हम इसे ढककर रख देंगे। देन लास्ट में मैं एक बटर की स्लाइस ज़रूर डालूंगी टेस्ट और स्मेल के लिए। उसके बाद ढकने के बाद ये हमारा शानदार सा कोरमा चिकन बनकर तैयार हो गया है। फिर आप इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बाउल में सर्व करके देंगे और उनके फीडबैक ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to share, subscribe and like my video.